मैं हूं अंकित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक अंकित राणा में। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर जैसा देख रहे हो कि हमने जो हॉट एयर गन बनाई है वो कितना अच्छा वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2-in-1 गैजेट है। इससे हम शोल्डरिंग भी कर सकते हैं और हम इसे एयर गन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इससे हम सोल्डरिंग आयरन कैसे बना सकते हैं। इसी से मैं आपको बना करके दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने एक एंटीना जो होता है, रेडियो का जो एंटीना होता है, उसका मैंने एक पाइप काट लिया है, ठीक है ना। इसमें उसमें बहुत सारे पाइप होते हैं, आपको कोई भी एक पाइप काट लेना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक नाइक्रोम वायर लिया है जिसको मैंने दो वायर से अटैच करके रखा है। ये छोटे वायर हैं, आपको बड़े वायर लेने हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक नंबर की वायर स्लीव जो होती है, ठीक है, इसका मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको लगभग 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ ले रहा हूँ इसकी, इसको मैंने कट कर लिया है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा एक वायर है इसको मैंने थोड़ा सा छील करके रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इस वायर को कर दूँगा जिससे कि हमारे जो ये हीट होगी तो हमारे जो वायर की रबड़ है वो ना पिघले, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इस पर कर दिया। इस नाइक्रोम वायर को हम इस तरह से इस पर लपेट देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरी देखते रहिए, तभी वीडियो आपके समझ में आएगी, ठीक है ना। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छी है। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हो तो आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगी। अगर आपको नहीं पता नाइक्रोम वायर कहाँ मिलता है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हो। उसमें मैंने चार तरीके बताए। तो फ्रेंड्स, इस वायर को, इन वायर्स को हम इसमें पाइप में अंदर की तरफ डाल लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इस वायर को इस तरह से रखना है जो कि ज़्यादा अंदर तक ये ना जाए, थोड़ा सा आगे की तरफ ही इसको रखना है, ठीक है ना, इस तरह से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक जो पेन का जो रिफ़िल होता है ना, जो मोटा वाला रिफ़िल होता है, उसका यूज़ किया है, ठीक है ना, इसमें एयर अंदर की तरफ भेजने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा सा कट कर लिया है, इस वाले रिफ़िल को, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा यहाँ जगह बच रही है इसमें, इसमें मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है ना। अच्छी तरह से आपको इसको इसमें डाल देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ी सी फेविक्विक डाल देता हूँ जिससे कि ये इधर उधर ना हिले, ठीक है ना। अगर ये इधर उधर हिलेगी तो फिर ये परेशानी कर सकती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कर लिया इसको। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको थोड़े बड़े वायर लेने हैं, तो मैंने छोटे वायर लिए थे, तो फिर मुझे वायर और जोड़ने पड़े। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक वायर को ब्लैक से और रेड वायर को रेड से कनेक्ट कर लिया, और इस पर मैं थोड़ी टेप भी लगा लेता हूँ। तो पहले मैं ब्लैक को टच कर मतलब इससे अटैच कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इस पर टेप भी लगा लेता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस पर टेप लगा ली है, और अब मैं रेड वायर को भी इसी तरह से ज्वाइन कर लूँगा आपस में, और फिर इस पर भी मैं टेप लगा दूँगा। तो फ्रेंड्स, यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस पर भी यहाँ पर टेप लगा ली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स एक लकड़ी का इस तरह का एक पीस ले लिया, इसमें मैंने होल कर लिया ड्रिल मशीन की हेल्प से। अब मैं इन वायर्स को इसमें अंदर की तरफ डाल देता हूँ, ठीक है ना। और ये जो पाइप है इसको भी मुझे अंदर की तरफ ही इसमें डाल देना है, इस तरह से आप देख सकते हो। इस तरह से मुझे इसमें इसको भी डाल देना, और थोड़ा सा हमें पाइप भी अंदर की तरफ डाल देना है जो कि फिर ये ना हिले, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो हमारा पाइप था ये पीछे की तरफ आ चुका है, ठीक है ना, इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा इसको आगे कर लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इससे पकड़ करके वर्क कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसमें फेविक्विक डाल देता हूँ, तो मैं इस फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें फेविक्विक डाल देता हूँ तो ये इधर उधर नहीं हिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत फेविक्विक इसमें लगा देता हूँ जिससे कि ये पाइप जो है ये भी ना हिले, ठीक है ना, और ये वायर्स भी ये ना हिले। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने फेविक्विक डाल दिया, वो आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी एम सील का यूज़ करूँगा जहाँ पर ये जगह बची हुई है इसमें, ठीक है ना, एम सील लगा दूंगा मैं इसमें। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पे एमसील लगा करके थोड़ी सी टेप लगा ली है जिससे कि ये लकड़ी दिखे नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये लकड़ी दिखती तो फिर अच्छी सी नहीं लगती। तो इसका काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे फ्रेंड्स एयर पंप, जो हमें इसमें लगाना है जिससे कि हवा प्रोवाइड करेगा ये, जिससे कि
इसको कह सकते हैं हाँ एयर गन है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमने इस तरह के कार्डबोर्ड के पीस ले लिए इस तरह से, ठीक है ना, इसमें एक होल कर लिया है जिससे कि जो आगे का मोटर का पीस होता है वो इसमें आ सके। तो इसको मैं फेविक्विक के हेल्प से यहाँ पर चिपका लूँगा अच्छी तरह से। इसको भी हमें फेविक्विक की हेल्प से चिपका लेना है। अगर आप प्लास्टिक का बनाना चाहते हो तो उसकी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, तो वो मैंने वाटर पम्प बनाया लेकिन सेम वही है ये चीज़, ठीक है ना। उसको हम पानी में डाल देते हैं और इसको हम केवल एयर से ही चलाएंगे। तो फ्रेंड्स उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक पीस ले लिया, इसको भी मैं इस तरह से मोटर के जो पुली होती है इसमें डाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसमें फेविक्विक लगा देता हूँ जिससे कि ये ऊपर नीचे ना हिले, ठीक है ना, अच्छी तरह से ये चिपक जाए। तो फ्रेंड्स इस पर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर फेविक्विक लगा ली है जिससे कि ये इधर उधर नहीं हिलेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप के इस तरह के पीस लिए हैं, चार पीस लिए हैं। ये थोड़े राउंड शेप में, एकदम सीधे नहीं है, ये थोड़े गोलाई में है, ठीक है ना। तो इनको मैं फेविक्विक की हेल्प से चिपका लेता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको फेविक्विक की हेल्प से चिपका लेता हूँ चारों पीस को। तो अभी मैं इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। मैंने वीडियो को बहुत छोटी से छोटी करने की कोशिश की लेकिन फिर भी वीडियो बड़ी हो गई क्योंकि मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप बताना था, ठीक है ना। तो अगर आप भी इसे बनाना चाहते हो तो आप आसानी से इसे बना सकते हो। तो वीडियो को एक बार आप देख लोगे तो आप आसानी से इसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है इसमें। अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसमें इसका जो चौथा पीस था इसको भी मैंने चिपका लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक पत्ती सी और काट लिया है इसी की, मतलब कार्डबोर्ड की एक पीस और काट लिया। इसको मैं कटर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का इसमें कट लगा लूँगा जिससे कि हम इसे राउंड शेप में कर सकें। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इस पूरी प्लेट जो हमारी पत्ती है इस पर मैंने राउंड शेप करने के लिए कट लगा लिए। मैं इनको चिपका लूँगा इस तरह से, पत्ती को जो हमारा नीचे वाला पीस था ना जो हमने मोटर से चिपकाया था उस पर चिपकाना है आपको इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं इसको भी यहाँ पर चिपका लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से इसको चिपका लिया। आपको अच्छी तरह से इसमें फेविक्विक लगा लेनी है, ठीक है ना, नीचे की तरह आपको अच्छी तरह से लगानी है फेविक्विक। और ऊपर मैंने एक पीस और लिया, इसको मैं स्केच से मार्क करके काट लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको मैंने काट लिया है और यहाँ पर मैंने इसमें एक होल कर लिया छोटा सा जिससे कि एयर इसमें जा सके अंदर की तरफ, ठीक है ना। इसको भी मैं फेविक्विक की हेल्प से चिपका लूँगा। आप ऊपर थोड़ा बहुत कहीं कहीं फेविक्विक लगा लीजिए, ऊपर कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ऊपर अगर एयर आ भी जाती है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एयर जो साइड में हमने होल किया है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में एक होल किया है, इसमें से निकल जाएगी, ठीक है ना। ऊपर का पीस जो है हमारा एयर खींचने के लिए है। तो फ्रेंड्स इस पर मैंने थोड़ी सी ब्लैक जो बिजली वाली टेप होती है उसको लगा दिया है, ठीक है, जिससे कि जो हमारे कट वगैरह थे वो ना दिखें, इस होल में से हमारी एयर निकलेगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये जो आयरन ग्लू गन है ना, इसको हमें इस तरह से लगाना, लेकिन हमें इस तरह इसे नहीं लगाना, हमें नली की हेल्प से, ठीक है ना। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक नली ले ली है, इस तरह की एक नली है। आपको अगर ना मिले तो आप डायरेक्ट भी इसे लगा सकते हो, आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी होगी तो आप इसे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसको लगा करके थोड़ी सी इसमें फेविक्विक डाल लेता हूँ जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाए, इस पाइप से अच्छी तरह से चिपक जाए। और फ्रेंड्स बाद में मैं इस पर थोड़ी सी एम सील भी लगा लूँगा जिससे कि ये इधर उधर ना हिले और इसमें से एयर लीक ना हो, ठीक है ना, इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर वायर को भी टेप की हेल्प से चिपका लिया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो टेप की हेल्प से मैंने चिपका करके वायर को मोटर के वायर के बराबर ही ला दिया है, ठीक है ना, इस तरह से हम इससे वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब कनेक्शन कैसे करने हैं मैं भी आपको वो भी आप बता देता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले एक IN4007 का हमें एक डायोड लेना है, ठीक है। इसमें जो सिल्वर कलर की जो लाइन होती है ना, आप देख सकते हो सिल्वर कलर की जो लाइन है, इसको हमें मोटर के प्लस वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। मोटर में प्लस प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं, ठीक है, आपको मतलब होते तो नहीं है, किधर भी घूम सकती है मोटर, अगर आप किधर भी टच करोगे तो घूम जाएगी, लेकिन आपको देख लेना है कि मोटर हमारी सीधी तरफ कौन से वायर से घूम रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको शोल्डर कर लिया है, ठीक है ना, आप देख सकते हो।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है ना, डायोड का जो दूसरा पॉइंट है, उससे हमें इस जो हमारा एलिमेंट था उसके वायर को कनेक्ट कर देना। आप इससे कोई भी वायर कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एलिमेंट में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से हमें इसमें कनेक्ट कर देना। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक 12 वोल्ट का जो DC जैक होता है ना, उसको ले लिया। इसका हमें एक पॉइंट, मतलब प्लस वाला पॉइंट हमें लगाना है इसके डायोड के मतलब दूसरा वाला जो पॉइंट है, जिधर हमने एलिमेंट का वायर लगाया, उस वायर पे। एक तरफ डायोड पर, एक तरफ तो मोटर का वायर हो गया, और दूसरी तरफ हमारा एलिमेंट और जैक का वायर हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ आयरन की हेल्प से। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस पर सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ सोल्डरिंग हमने इस पर कर ली है, ठीक है ना। अब हमारे जो ये तीनों वायर बचे हुए हैं, अब इन तीनों वायर्स को हमें एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, इनको मैंने कनेक्ट करके टेप की हेल्प से चिपका दिया, जिससे कि ये वायर आपस में टच ना हो, ठीक है ना। इस तरह से फिर यहाँ से एयर खींचेगी आगे की तरफ, निकाल देगी यहाँ को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसमें 12 वोल्ट का जो DC जैक है उसको लगा लिया है, ठीक है ना। इस जैक में मैंने इसके कनेक्टर को लगा लिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, मैं जैसे ही इसका स्विच ऑन करूँगा, तो आप देखना कि ये एकदम धुआं देता है, क्योंकि अभी फाइबर स्लीव नहीं है, इसलिए धुआं दे रहा है। और एलिमेंट एकदम बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, और अब हवा जो आ रही है ना पीछे की तरफ से, हवा आ रही है वो भी बहुत एकदम गर्म आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं माचिस की तीली को जला करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि माचिस की तीली एकदम इसके नज़दीक लाते ही जल गई। तो आप सोच सकते हो कि यार ये कितनी गर्म एयर प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी अपने घर पर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, बस यही थी वीडियो यार। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना।